दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमें शांति देने वाला, चित्त समाधि देने वाला, संस्कार देने वाला, अच्छे गुण देने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी अच्छे टिप्स लेने वाला, हमारा उद्धार करने वाला, मुक्ति दिलाने वाला और धर्म दर्शन की जानकारी देने वाला महान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। महान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना, लोगों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग लाना। जो आज नेगेटिविटी बढ़ रही है उसको धीरे धीरे कम करके पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, सकारात्मक विधायक सोच को बनाना है। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक मनुष्य की मनोवृत्ति से जुड़ा हुआ अति सुंदर विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का हमारा विषय जो है कि अति संग्रह से अशांति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, अति संग्रह, अशांति। जब तक हम विषय से संबंधित शब्दों की परिभाषा को नहीं समझ लेते हैं तब तक वह विषय क्लियर नहीं होता है, और इसी कोई शोध परखता कहा जाता है। तो अति संग्रह, अति संग्रह का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा वस्तुओं को इकट्ठा करना, आवश्यकता नहीं हो तो भी इकट्ठा करना, इसको ग्रीड कहा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर दो शब्द चलते हैं, एक नीड और एक ग्रीड। मनुष्य का शरीर होता है, उसके समाज होता है, परिवार होता है, उसकी आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। ये हर प्राणी को और हर मनुष्य को जो है वो लेनी पड़ती है, और इसको मुहैया कराने के लिए, इसको उपलब्ध कराने के लिए उसे व्यवसाय करना पड़ता है, उसे रोजी रोटी कमानी पड़ती है और उससे पूर्ति होती है। लेकिन आराम से इन सब चीज़ों की हमारी पूर्ति होने के बाद हम कोई भी चीज़ का संग्रह करते हैं वह अति संग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए कि मान लीजिए एक पांच व्यक्तियों का परिवार है, पांच व्यक्तियों के परिवार के लिए अच्छा मकान चाहिए, और हर व्यक्ति को एक मोबाइल चाहिए, और हर एक को एक गाड़ी चाहिए, टू व्हीलर चाहिए, और उसके अलावा घर के अंदर जो सामग्री चाहिए, ये तो आवश्यकता है, ये करना होगा। क्यों? आखिर हमारा मनुष्य जीवन है, ये जीवन भी जो है आराम से गुजरना चाहिए, जीवन के अंदर जो मुख्य मुख्य सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, ताकि उससे हमारी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी और काम के अंदर हमारा दिल लगेगा, हमारी रुचि लगेगी और अच्छे मनोभावों से हम कार्य करेंगे। लेकिन अब जो ये अति संग्रह है, ये जो ग्रीड है, ये प्रॉब्लम पैदा करता है, ये एक कलुषित मनोवृत्ति है, और इस कलुषित मनोवृत्ति से अशांति होती है। अशांति किसे कहा जाता है, इसको भी हमें समझना चाहिए कि मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेन, मेंटल डिस्टर्बेंस और मेंटल जो है हमारी थकान, टायर्डनेस आती है, वो सारा जो है अशांति कहलाती है। अशांत होने से व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है, व्यक्ति संतुलित नहीं रहता है, उसकी सोच, उसकी काम करने की पद्धति सब डिस्टर्ब हो जाती है। जो ही अशांति आती है, व्यक्ति एकदम जो है वो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जीवन अच्छा हो, अच्छा रहने के लिए उसको मेंटल पीस होनी चाहिए, और हमारी संस्कृति के अंदर मेंटल पीस को हाईएस्ट दर्जा दिया गया है कि आदमी सुखी वही है जो मेंटल पीस में, जो 24 आवर्स मेंटल पीस में रहता है, और वो अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, स्थित प्रज्ञ रूप में रहता है, और वह जो है प्रज्ञा चक्षु के रूप में रहता है, उस व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं आती, क्योंकि दोनों को समान समझता है और संतुलन कर लेता है। एक संतुलन शब्द एक ऐसा अच्छा शब्द है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। संतुलन को वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। हर वस्तु की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, यानी एक फोर्स इधर लगा,
एक फोर्स उधर लगा और इसका जो रिजल्टेंट निकलता है, विज्ञान की भाषा में बात करूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। जैसे हम चल रहे हैं, हम चलने से हम सीधे सीधे चलते रहेंगे, इसका मतलब हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्थिर है। जो ही ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होती है तो हम गिर जाते हैं, टॉपल हो जाते हैं। आज बड़े बड़े सुनामी आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है और उसके साथ साथ के अंदर बीमारियां आती है। ये सब क्या है? ये पृथ्वी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती है, उसी कारण से आता है, क्योंकि असंतुलन हो जाता है। सृष्टि में असंतुलन होता है, पृथ्वी पर असंतुलन होता है, ऋतुओं में असंतुलन होता है, तब ये सारी परिस्थिति होती है। आयुर्वेद की बात करें तो वात, वित, वात पित्त और कफ, ये तीनों जो होते हैं ये असंतुलित होते ही व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। उसी तरह से रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये तीन गुण होते हैं। जिस व्यक्ति में सत्वगुण जो अधिक होता है वह व्यक्ति शांत होता है और तमोगुण वाला हिंसा प्रवृत्ति में जाता है और रजोगुण वाला चंचलता में जाता है। तो ये सब चीजें शांति और अशांति से जुड़ी हुई है। अब क्वेश्चन ये, शांति अशांति तो हमारे भीतर की बात है और जो अति संग्रह है वो बाहर की बात है। हम भीतर और बाहरी दो जगत के अंदर जीते हैं और जो व्यक्ति दोनों जगत का संतुलन करके चल लेता है उसको कोई तरह का कष्ट नहीं होता है और एक वो होलिस्टिक व्यक्ति होता है, एक परिपूर्ण व्यक्ति होता है और मानसिक तनाव की किसी परिस्थिति के अंदर वो नहीं जाता है। देखिए, अब आपने अति संग्रह चालू किया, मान लीजिए आपको एक मकान की आवश्यकता है और आपने लोभ में आकर, अति संग्रह क्यों होता है? अति संग्रह अटैचमेंट से होता है, लोभ की प्रवृत्ति से होता है। हर प्राणी के अंदर 10 तरह की संज्ञा होती है। कौन कौन सी होती है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग और लोक संज्ञा। इसमें से जो लोभ की संज्ञा है, जिसको लोभ की संज्ञा ज्यादा होती है वह व्यक्ति अति संग्रह करता है। वो एक मकान की जगह 5 मकान खड़े कर देता है, परचेज कर लेता है, एक गाड़ी की जगह 10 गाड़ी रखती है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक जयसिंहपुर जो है हमारा महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा कस्बा है, उसके अंदर बहुत धनाढ्य व्यक्ति है। उस व्यक्ति के फार्म हाउस पर मैं जाकर के आया, उसके 50 गाड़ियाँ थी, 1 करोड़, 50 करोड़ और 50 लाख और 15 लाख से कम की कोई गाड़ी नहीं थी। और उसका शौक था कि वो प्रतिदिन नई नई गाड़ी के अंदर बैठता था। उसके विरुद्ध जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा जो रिचेस्ट व्यक्ति है, बिल गेट्स है, उसकी आप ऑटोबायोग्राफी को पढ़ो तो बड़ी माननीय है, अनुकरणीय है और जीवन में उतारने योग्य है। वो व्यक्ति ऐसा है कि वो व्यक्ति अपना जो धन है उसको पब्लिक मनी समझता है और विश्व का रिचेस्ट व्यक्ति है तो वो अपने स्वयं के भोग के लिए, परिवार के भोग के लिए वही पुराना 50 साल का मकान, वही गाड़ी, वही फर्नीचर और सब कुछ वही पुरानी चीजें हैं। और जितना पैसा जो उनको, कितनी उनकी आमदनी है, अरबों खरबों रुपए की उनको खुद कोई पता नहीं है, लेकिन उनके जीवन का ध्येय है कि वो सारा पैसा जो है वो ट्रस्ट के अंदर डालते हैं और उससे लोगों का फायदा होता है, परोपकार होता है, उपकार होता है। तो ये होता है अनाशक्ति की भावना से। और अति संग्रह करना व्यक्ति तो जोड़ता जाता है, अपना बैंक बैलेंस बनाता है और कई फार्म हाउस खरीदता है, कई प्लॉट खरीदता है, कई मकान खरीदता है, कई दुकानें खरीदता है और संग्रह करता जाता है। अब देखिए, इतना संग्रह करने के क्या नुकसान है? सबसे पहले मैं नुकसान और अशांति दोनों साथ लेके चलता हूं। जब इतनी चीजें इकट्ठी हो जाती है, सबको मेंटेन करना पड़ता है, सबका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, तो उस रिकॉर्ड के रखने में आदमी को कितना टेंशन होगा। और आजकल सरकार जो है हर चीज को आधार से जोड़ दिया है, तो सारी चीजें जब आधार से जुड़ती है तो सरकार को भी मालूम हो जाता है एक व्यक्ति के 5-5, 10-10 मकान, इतनी इतनी गाड़ियां, इतनी ज्वेलरी, इतना बैंक बैलेंस और इतना धन दौलत है, तो उसके रेड पड़ती है और वो रेड पड़ने से अशांत हो जाता है। कौन सी चीज को कहां दिखाए, कैसा दिखाए, क्योंकि आखिर व्यक्ति कितना रिटर्न के अंदर लाएगा, कितना एक नंबर के अंदर लाएगा, उसी भी कोई लिमिट होती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का एपिसोड जो हमें शिक्षा देता है कि हमें अति संग्रह से बचना चाहिए, क्योंकि अति संग्रह है अशांति पैदा करता है। अब देखिए, अति संग्रह आपने कर लिया तो अति संग्रह करने वाले व्यक्ति को नींद नहीं आएगी,
रात के अंदर भी वो देखेगा कि मेरे पास इतना धन है, दौलत है, कोई लुटेरा नहीं आ जावे, कोई चोर नहीं आ जावे, सेफ में से कोई निकाल नहीं ले, क्योंकि सबको मालूम है कि ये संग्रह करने वाला व्यक्ति है तो उसके यहाँ चोरियाँ होती है, डाके पड़ते हैं और वो व्यक्ति अशांत रहता है। जब व्यक्ति अशांति के अंदर जाता है तो उससे उसको नुकसान क्या हो जाता है कि वो कोई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज और न मालूम कितनी कितनी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। व्यक्ति हर वक्त अशांत रहता है, शारीरिक रूप से अशांत होता है, मानसिक रूप से अशांत रहता है, भावनात्मक रूप से अशांत रहता है, स्पिरिचुअलिटी रूप से अशांत रहता है और सोशल रूप से अशांत रहता है। आखिर ये सब चीजें हम क्यों करें आखिर? और दूसरा एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब इतनी चीज का संग्रह किया जाता है और हम लोगों के उपयोग के अंदर वो नहीं लाते हैं तो उसकी संतान होती है वो लिथार्जिक हो जाती है। वो संतान जो सोचने लगती मेरा बाप का कमाया इतना पैसा है, तो वो लोग परिश्रम नहीं करते, वो संस्कार नहीं लेते, वो मात्र अपने बाप के पैसे पर, बाप की प्रॉपर्टी पर, बाप के मनी के ऊपर जो है उनका ध्यान रहता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है और वो आपस में लड़ते हैं और एक स्थिति ये होती है कि वो संपत्ति जो है दुख का कारण बन जाती है, कोर्ट केस हो जाते हैं और कई तरह की उसमें समस्याएं पैदा हो जाती है। ये समस्या हम पैदा क्यों करें, हम चला करके समस्या पैदा क्यों करें? तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इस विषय को जो है मैं कसौटी पर कसता हूं और इसको जो है लोगों के सामने रखता हूं कि क्या ये मनोवृत्ति अच्छी है। तो इसका ज्यादातर जवाब मेरे पास में यही आएगा, ये मनोवृत्ति अच्छी नहीं है, क्योंकि अति संग्रह करने से किसी न किसी के हक को मारा जाएगा। आपने अगर एक मकान की आवश्यकता और आपने 10 मकान रख लिए, आपको एक गाड़ी की आवश्यकता और आपके पास में 10 गाड़ियां हैं, आपके पास में जो है वो जितने पैसों की आवश्यकता उससे 10 गुना पैसा, तो आप किसी न किसी का हक मार रहे हो, क्योंकि हमारा जो धन है वो सबके लिए है, ये पब्लिक मनी है, इस पर पब्लिक का हक है और सबके काम में होना चाहिए और कम से कम जो बेसिक फैसिलिटीज है वो हरेक को मिलनी चाहिए। इसी का नाम सर्वोदय है और इसी का नाम है कि वेलफेयर ऑफ ऑल है, जो कि हमारे संविधान में कहा गया है, हमारी सरकार भी मानती है और भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, सबसे डेमोक्रेटिक संविधान है और हमने जो आज़ादी हासिल की वह भी अहिंसा के माध्यम से आधारित, यानी हमारी जो नींव है वो अहिंसा पर आधारित है। जब अहिंसा पर आधारित नींव है तो हम हमेशा न्याय करेंगे, हम संग्रह के अंदर नहीं जाएंगे। तो अति संग्रह को छोड़िए, ये हर तरीके से बुरा है और आपकी जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को मीट आउट करने के अंदर कोई तकलीफ नहीं है। सभी आपको सपोर्ट करेंगे, सभी कहेंगे कि आपको अच्छा मकान होना चाहिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलानी चाहिए, आपको आराम से रहना चाहिए, आपको कपड़ा अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से पहनना चाहिए, आपकी व्हीकल, मोबाइल, ये सब होने चाहिए। इसके अंदर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये हमारा हक है और इसके लिए हम व्यवसाय करते हैं, इसके लिए हम जो है वो अपने अलग अलग धंधे करते हैं, नौकरी करते हैं वगैरह है, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये अति संग्रह को हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उन्होंने जगह जगह निंदा की है और उन्होंने कहा है कि जो अति संग्रह वाला व्यक्ति होता है वो सबसे ज्यादा कर्मों का बंधन करता है और सबसे ज्यादा अपनी आत्मा को भारी करता है और आत्मा को भारी होने से वो 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकता रहता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। क्यों? कि उसका जो जीव है, उसका जो मन है, वो हमेशा उस संपत्ति के अंदर अटका रहता है और वो संपत्ति उस लालसा के अंदर, उस घेरे से वो बाहर नहीं निकलता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम ये निष्कर्ष के तौर पर बात करना चाहते हैं कि ये जो प्रकृति जो अति संग्रह की बात है वो अशांति व्यक्तिगत रूप से तो पैदा होती है, लेकिन उसके साथ साथ के अंदर परिवार में इम्बेलेंस बढ़ जाता है। परिवार में क्या होता है, माता पिता का सॉफ्ट कॉर्नर किसी बच्चे के प्रति या किसी बहू के प्रति ज़्यादा होता है तो उसको संपत्ति ज़्यादा दे दी जाती है, तो दूसरे जो बेटों को या बहुओं को जो है उससे आपत्ति होती है कि ये पक्षपात कर दिया गया, ये इनबैलेंस हो गया हमारे घर के अंदर। अब इनबैलेंस समाज के अंदर क्या होता है कि समाज के अंदर एक तरफ तो वो हमारे लोग हैं जो इनको बेचारों को चिकित्सा नहीं मिल रही है, 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है और हम इतना इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये वास्तव में इनजस्टिस है, ये अन्याय है, ये ईश्वर के घर में भी अन्याय है और ये समाज का भी अन्याय है। इसीलिए हमें ऐसा कार्य नहीं करना है। इस एपिसोड के माध्यम से आज पूरे विश्व की 7 अरब की जनसंख्या के सामने जो है हम ये प्रस्तुति दे रहे हैं कि अति संग्रह की भावना को रोका जाना चाहिए
ये कलुषित मनोवृत्ति है, और ये कलुषित मनोवृत्ति जो है लोभ के कारण पैदा होता है। इस लोभ के ऊपर हमें चोट करनी चाहिए। लोभ के अंदर दो तरीके से होती है, एक तो लोभ व्यक्ति जो है अपने पूर्व जन्म के अर्जित कर्मों के कारण लोभ करता है, और एक व्यक्ति लोभ है वो आसक्ति से जुड़ करके करता है, मोह से जुड़ करके करता है। तो इस मोह की भावना को हमें तोड़ना चाहिए। आसक्ति को हम दूसरे शब्दों के अंदर मोह कह सकते हैं, और अति संग्रह को मोह कह सकते हैं। मोह का बहुत बड़ा संसार होता है, मोह का एक वक्ष है। मैं एकदम सीधी सीधी भाषा में बात करूं कि जितनी जितनी बुराइयां हैं ये सब मोह का परिवार है, और जितनी जितनी अच्छाइयां हैं ये सब जो है वो पुण्य का परिवार है। तो हमें जीवन को आनंद से जीना है, और आनंद से जी करके अपने बच्चों को अपने परिवार को अच्छे संस्कार देने हैं। अच्छे संस्कार केवल मात्र धन की आवश्यकता नहीं, धन एक साधन है लेकिन धन साध्य नहीं है। धन कुछ है लेकिन धन सब कुछ है। अगर आप मुझे कहो तो इसमें मैं कहूंगा इसमें कोई अतिशक्ति नहीं कि अर्थ है वो धन है, आज के इस संसार का ईश्वर है, लेकिन वह सब कुछ नहीं है। वह उसको एक साधन मात्र में मानना चाहिए। भूल कहाँ होती है कि हम उसको साध्य मान करके और उस पैसे को, उस धन दौलत को, और उसको जो है संग्रह की वृत्ति से जोड़ते जाते हैं, और वही हमारे लिए दुख का कारण बनता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस विषय को जो है हम थोड़ा और खुला करें कि आज जो मनोवृत्ति धीरे धीरे अभी नई पीढ़ी में कम हो रही है, नई पीढ़ी ये समझने लग गई है कि अति संग्रह की भावना जो है हमारे लिए कष्ट करे, और कई बातों के अंदर उनको अति संग्रह करने का मौका ही नहीं मिलता है। अति संग्रह वही कर सकता है जिसकी अच्छी बिजनेस हो, अच्छा इनकम हो। आजकल तो सब कॉम्पिटिशन का युग है, और इतनी और सरकार के इतने बैरियर्स है, सरकार के इतने नियम है, इतने कानून है, इतने कायदे हैं, इतनी पेचीदगियां हैं कि अति संग्रह व्यक्ति कर ही नहीं सकता। कोई जमाना था जब व्यक्ति अति संग्रह कर सकता था, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इस भावना को ही हम क्यों रखें। देखिए, पैसा या संपत्ति वो परिग्रह नहीं होता है, परिग्रह है उसकी भावना में, परिग्रह है उसकी आसक्ति के अंदर। अपनी भावना को बदलें, हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को रखें, हम अपने विधायक भावों को रखें, हमें इस तरफ नहीं जाना। आराम से रहिए जीवन के अंदर, और सब कुछ काम आराम से करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पारिवारिक दृष्टि से हो या जिस क्षेत्र में आप काम करते हो, बड़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में और बड़े आराम से काम करिए। लेकिन वो कार्य जो है वो हमारा परोपकार की तरफ होना चाहिए। अति संग्रह जो है एक कलुषित भावना है, इसको हमें रोकना चाहिए, क्योंकि हर दृष्टि से जो है ये अशांति पैदा करने वाली है, और हर एंगल से देखें तो हमको तकलीफ देने वाली। तो हम आ बैल मुझे मार, इस तकलीफ को हम क्यों इनवाइट करें। हम प्रारंभ से ही जो है वो अपने एटीट्यूड को, अपने विचारधारा को इस तरीके से करें कि हमारे जो बाल बच्चे हैं उनको प्रारंभ से संस्कार दे रहे, उनके साथ में बैठिए, उनको अच्छी पढ़ाई कीजिए, और उनकी मॉनिटरिंग कीजिए कि वो किस तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल को सुधारिए, उनके भोजन करने का तरीका उनको सुधारिए, और उनकी सोसाइटी को सुधारिए। क्योंकि मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स, व्यक्ति जो है संगत का बहुत बड़ा असर होता है। जो व्यक्ति कोई कुसंगत में चला जाता है तो कुसंगति हो जाता है, और सुसंगत में जाने वाला सुसंगति हो जाता है। ये चीज जो है हमारे अटैचमेंट से जुड़ी होती है, क्योंकि हम अटैचमेंट को छोड़ेंगे तो ये भावना हमारे में पैदा होगी। हम अपना जो माइंड का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करेंगे, और हम सेवा की तरफ जाएंगे, हम परोपकार की तरफ जाएंगे, हम सेवा माइंडेड हो जाएंगे। तो इस जो है बुरी वृत्ति को जो है हमें छोड़ना है, और इस बुरी वृत्ति का हमें समाज के सामने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाना है। आज देखिए कि केरल के अंदर इतनी बड़ी बाढ़ की स्थिति हुई, तो हमारी भारतीय संस्कृति और भारत के लोगों की कितनी बड़ी तारीफ है। उन्होंने पैसा जो दिया सरकार से भी ज़्यादा दिया, मगर लोगों के अंदर संवेदना है, ये संवेदना रखी जानी चाहिए। ये जो आज का विषय है उसके विरुद्ध है। हमारा जो विषय है उसका शुद्धिकरण करने के लिए हमें लोगों के काम में आना चाहिए, हमें परोपकार करना चाहिए। कोई कष्ट में है, कोई अभाव में है, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अगर हम साधन संपन्न हैं, अगर हमारे पास में सारी हमारी व्यवस्था पूरी होने के बाद भी कुछ बचता है, हमें अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बाल बच्चों को तो उसकी पढ़ाई के अंदर उनकी सुविधाओं को कम करके हम किसी की हेल्प करें, तो ऐसा भी एक अच्छा नहीं है। क्योंकि पहले अपना आराम से भरण पोषण और आराम से अपनी व्यवस्था होनी चाहिए।
तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारत जैसा देश जिसके अंदर 50% लोग जो है बिलो पॉवर्टी के अंदर है, उसके अंदर आज इस विषय का बहुत बड़ा महत्व है, आज सेवा का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा परोपकार है। और आपके पास में अति संग्रह है तो आप लोगों के लिए दरवाजा खोल दीजिए, लोगों की भलाई में लगाइए। और मैं आपको जो उदाहरण के तौर बताना चाह रहा हूँ कि हमारे भारत के अंदर कितने बड़े बड़े लोग होते हैं, घनश्याम दास बिड़ला जी को मैं कोट करना चाहूँगा कि बिड़ला जी की ऐसी स्थिति थी बहुत पुराने समय की, घनश्याम जी की, जब जवान थे तो उनके पास के अंदर जो है कार्य करने के लिए पैसा नहीं था। गुरु की कृपा से और उनका अच्छा कर्मोदय हुआ तो वो गुरु के प्रसंग से वो उनके पिलानी में आज भी उनके लोटे, उनके बर्तन जो है वो अडाणे रखे हुए हैं। और उनकी आज उनके पोते जाते हैं, घनश्याम जी कहते हैं कि आप लाखों करोड़ों रुपया जो भी लेना ले लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा जो ब्राह्मण परिवार है पिलानी का, वो आज भी कहता है हमने इसलिए रख रखे हैं लोगों को सबक देने के लिए कि महान से महान व्यक्ति भी प्रारंभ के अंदर इस आर्थिक स्थिति का होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को देखते रहिए, उसे हमें संबल मिलेगा। पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है सही दिशा में जा रहा है, आप हमें दिशा देंगे तो हम और अच्छी क्वालिटी से जो है आपको नए नए एपिसोड्स, नए नए विषय, नई नई बातें जो कि जीवन का कल्याण करने वाली बताते रहेंगे। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।